क्या आप सोच भी सकते हो कि 10 टेरा गाड़ी में टाटा ने यहाँ पर लिफ्ट एक्सल दे दिया है? जी हाँ बिल्कुल, टाटा की जो गाड़ी है 10 टेरा उसकी जो पासिंग है GVW है वो 31 टन कर दिया है और साथ में यहाँ पर डबल टायर सिंगल लिफ्ट एक्सल दे दिया है। तो बिल्कुल ही नई चीज़ टाटा ने यहाँ पर मार्केट में निकाली है और बहुत ही सक्सेसफुल ये गाड़ी होने वाली है। तो चलिए हम इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेकर आए हैं, टाटा 3118। जी हाँ बिल्कुल, BS6 में 3118 लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो पासिंग है, जो GVW है वो गाड़ी का 31 टन की यहाँ पर GVW के साथ आपको ये गाड़ी मिल रही है और 3 एक्सल में है ये गाड़ी। जो पहले तो गाड़ी थी 3 एक्सल की 2818 थी, उसमें 28 टन की पासिंग मिलती थी, अभी 31 टन की पासिंग कर दी है। ये पासिंग टाटा ने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि यहाँ पर जो पहले 10 टेरा गाड़ी में जो टैंकर एप्लीकेशन के लिए गाड़ियाँ यूज़ हो रही थी तो उसमें 23,000 लीटर का ही यहाँ पर टैंक बन रहा था, तो उसमें यहाँ पर परेशानी आती थी। जो पीसो है, यहाँ पर जो पेट्रोलियम की कंपनीज हैं उनको यहाँ पर 25,000 लीटर का यहाँ पर पीछे टैंकर चाहिए था, तो उसके लिए पासिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो उसके लिए टाटा के इंजीनियर ने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर जो मेन टायर पहले यहाँ पर था तो उसको यहाँ पर उन्होंने लिफ्ट टायर के रूप में यहाँ पर गाड़ी में उतारा है और साथ में मेन टायर यहाँ पर पीछे में कर दिया, तो इसी वजह से इस गाड़ी की पासिंग 3 टन 10 टेरा गाड़ी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये नई 10 टेरा 31 टन की पासिंग के साथ आ रही है। तो अगर हम इस गाड़ी के एग्रीगेट्स की बात करें, इंजन की बात करें, तो इस गाड़ी में आपको 180 हॉर्स पावर का इंजन मिल रहा है। बहुत ही कामयाब इंजन है, सक्सेसफुल इंजन है। BS6 गाड़ियों में क्यूमिंग्स का इंजन आ रहा है और उसमें आपको 850 Nm की टॉर्क भी आपको गाड़ी में प्रदान कर रहा है इंजन। और साथ में इस गाड़ी में मेन फीचर क्या है, ये गाड़ी आपको 3 से 3.5 लाख की यहाँ पर हायर ऑपरेशन प्रॉफिट देगा 28 टन ट्रक के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ एक साल में। और ये गाड़ी आप टैंकर्स के लिए, मार्केट लोड एप्लीकेशंस के लिए, सीमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, पैक्ड LPG सिलेंडर्स के लिए और यूटिलिटी के लिए आप यहां पर गाड़ी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ही फायदेमंद ये गाड़ी आपके ट्रांसपोर्ट में होने वाली है। मेन फीचर क्या है, गाड़ी आपको सिग्ना कैबिन में भी आ रही है। जो सिग्ना कैबिन पसंद करते हैं कस्टमर उनको भी ये अवेलेबल है और जो काउल पसंद करते हैं काउल मॉडल में भी अवेलेबल है। और दो तरह की यहाँ पर लोडिंग स्पैन आ रही है पीछे चेसिस में, 24 फिट प्लस 32 फिट, दोनों ही वेरियंट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर जो सिग्ना कैबिन यहाँ पर फ्रंट लुक में आ रहा है तो बहुत ही रग्ड लुक यहाँ पर गाड़ी की बना दी है। एरो कॉर्नर्स यहाँ पर साइड पर दोनों ही साइड पर लगे हुए हैं, हवा को चीरते हुए ये गाड़ी जाती है और माइलेज पर भी इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेन बात आ जाती है इस गाड़ी में, यहाँ पर देखो सामने की तरफ यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मिरर लगा हुआ है। ये किस लिए हेल्प करता है, कुछ गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा नहीं देख सकता, ये प्रॉक्सिमिटी मिरर ड्राइवर को हेल्प करता है। जो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो सारे यहाँ पर ड्राइवर इजीली देख सकता है। साथ में यहाँ पर वाइड एंगल मिरर और नॉर्मल मिरर आपको कनेक्टर साइड प्लस ड्राइवर साइड दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और वाइडर यहाँ पर स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलने वाली है सामने की तरफ और वाइपर मशीन के साथ आपको वाइपर ब्लेड्स और वाटर जेट्स भी साथ में लगे हुए हैं। और यही बात अगर हम कर लें, जो ग्रिल है सामने की वो यहाँ पर देखते हो टाटा का यहाँ पर क्रोम के साथ यहाँ पर टाटा का सिंबल लगा हुआ है और यहीं पर एक ही झटके में आप यहाँ पर ग्रिल उठा सकते हो और यहीं से आप इंटी कूलर है, रेडिएटर है, फैन बॉडी होगी और वाटर बॉडी होगी, पाइप्स है, हाउस पाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पाइप बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कवर की हुई हैं, सारी क्लिप टू क्लिप वायरिंग की हुई है, किसी प्रकार की आपको कोई झंझटबाजी नजर आएगी। सामने यहाँ पर देखो जैसे मैं 6 फिट का हूँ, यहाँ से आसानी से मैं यहाँ पर गाड़ी में कोई भी वर्क करना है तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और यहीं पर अगर हमें इसको बंद करना है तो यहाँ पर देखो प्रेसिंग के साथ ही आप इसको बंद भी कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। जो
थ्री इन वन पीस यहाँ पर आपको बम्पर मिल रहा है। यहाँ पर थ्री पीस का बम्पर है। ये इस बम्पर का फायदा क्या है, अगर गाड़ी आपकी इस साइड से या उस साइड से टच हो जाती है तो आपको पूरा बम्पर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, एक ही पीस आप अलग लेकर जो आपकी कॉस्ट ऑफ कटिंग है वो कम हो जाएगी। इसके लिए टाटा ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है। और हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट्स के साथ आपको यहाँ पर देखते हो इंडिकेटर्स मिलेंगे, और साथ में इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर साइड मड फ्लैट्स पर भी यहाँ पर मिलेंगे। और नीचे वाला हम बम्पर की बात करें तो बहुत ही हैवी बम्पर नीचे में यहाँ पर टाटा की तरफ यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो सिग्ना कैबिन है एसी के साथ आता है। अगर हम काउल वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको ब्लोअर की ऑप्शन मिलती है। गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो यहाँ पर देखते हो साइड लुक में यहाँ पर आपको डबल स्लीपर कैबिन यहाँ पर साथ में मिल रहा है। यहाँ पर ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पर डबल स्लीपर कैबिन है, आप वहाँ पर रात को रेस्ट भी कर सकते हो। और यहीं पर अगर कैबिन में आप अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखते हो आपको तीन फुट स्टेप यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तीन फुट स्टेप के सहायता से आप कैबिन में इंटेक कर सकते हो। कैबिन का हम आपको लास्ट में बताएंगे, उससे पहले हम आपको एक बार गाड़ी के जो नीचे पार्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी दे दें। जो गाड़ी में जो टायर्स आ रहे हैं 295/90 या 20 के यहाँ पर टायर्स आ रहे हैं, ट्यूब टायर्स हैं, सबसे बेहतरीन इंडियन रोड्स पर ट्यूब टायर्स चलते हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो फ्रंट एक्सल है, जो फ्रंट एक्सल आगे वाला यहाँ पर दिया हुआ है, वो यहाँ पर टाटा का एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 7.5 टन का यहाँ पर फ्रंट एक्सल दिया हुआ है। साथ में जो कमानी लगी हुई है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर कमानी आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहीं पर अगर हम बात करें जो लिफ्ट एक्सल यहाँ पर टाटा निकाला है, ये लिफ्ट एक्सल का मैं आपको खास पॉइंट बता दूँ, जो 16 टेरा जो 48-25 में लिफ्ट टायर एक्सल आ रहा है वही एक्सल यहाँ पर टाटा ने यहाँ पर 10 टेरा में गाड़ी में रिप्लेस किया है। तो बहुत ही हैवी ड्यूटी है, 12.5 टन का ये लिफ्ट एक्सल अकेला ही है और बहुत ही डिज़ाइन के साथ यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। जो बैलून्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया है। उनकी लाइफ है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और यहाँ पर आप थर्ड एक्सल की बात करें तो जो ड्रिवन एक्सल है और ये टाटा का यहाँ पर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी एक्सल साथ में दिया हुआ है। और RA110HD का ये एक्सल है, बहुत ही हैवी कॉम्बिनेशन के साथ टाटा के जो इंजीनियर बहुत ही सोच समझकर ये गाड़ी यहाँ पर मार्केट में उतारी है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये रोड पर देने वाली है। जो भी यहाँ पर टैंकर एप्लीकेशन लिए गाड़ी यूज़ हो रही है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा एक पेट्रोल पंप है समाना में और मैंने यहाँ पर लोड उठाने लेकर जाना है बठिंडा में, एक आपको एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए वहाँ पर भेजूँगा तो मेरी गाड़ी खाली जाएगी। खाली गाड़ी जाने के कारण यहाँ पर जो ये टायर्स हैं जो सेकंड एक्सल है वो ज़्यादा टायर्स यहाँ पर घिसेंगे, तो जाते हुए खाली जाते हुए वो टायर्स लिफ्ट करके जा सकता है और 6 चक्का गाड़ी यहाँ पर रोड पर जा सकती है। उसमें जो ये गाड़ी 6 चक्का भी बन जाती है, 18.5 टन की ये पासिंग भी हो जाती है और 31 टन की यहाँ पर पासिंग भी आपको यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाती है। तो जब वो बैक लोड लेकर आएगा ड्राइवर तो यहाँ पर आप टायर को यहाँ पर नीचे लेकर 31 टन का GBW हासिल कर सकते हो। यहीं पर बात आ जाती है जो पीछे यहाँ पर कमानी दी हुई है, तो यहाँ पर मल्टी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर साथ में रहते हैं, बहुत ही हैवी ड्यूटी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस गाड़ी में जो ट्रक हब यूनिट है वो 5 लाख किलोमीटर तक आपको यहाँ पर ग्रीस करवाने की जरूरत नहीं है। व्हील बेयरिंग्स इस गाड़ी में यहाँ पर आ रहे हैं, ये आपकी सेविंग्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपकी जो गाड़ी है वो रनिंग टाइम है वो ज़्यादा रहेगा और साथ में फ्यूल इकोनॉमी और हायर टायर लाइफ आपको इस गाड़ी में यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाली है। और जो स्पेयर टायर की पोजीशन है वो भी यहाँ पर चेसिस के साइड में ही दी हुई है, ना कि चेसिस के अंदर दी हुई है। कुछ कंपनी चेसिस के अंदर देती है, वहाँ से काफ़ी दिक्कत आती है, यहाँ से ड्राइवर इजीली यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। जो गाड़ी के बैक व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर बजर के तौर पर यहाँ पर आपको 5 मिलने वाले हैं। और यहीं पर आपको LED टेल लाइट्स यहाँ पर मिलने वाली है। लाइट्स की जो कंजप्शन है वो इस गाड़ी में यहाँ पर कम हो जाती है। मेन बात आ जाती है जो गाड़ी में जो चेसिस फ्रेम है, कितनी आपकी यहाँ पर चेसिस स्ट्रॉन्ग है वो आपका जो चेसिस का लेआउट है वो उस हिसाब से यहाँ पर बताता है। इस गाड़ी में लैडर टाइप यहाँ पर चेसिस फ्रेम दिया हुआ है और सबसे मेन बात 65 mm की यहाँ पर फ्लैंक लेंथ दी हुई है। जो गाड़ी की लेंथ चेसिस की डेप्थ दी हुई है वो 285 mm की है और जो मोटाई है चेसिस की वो आपको यहाँ पर 8.5 mm की चेसिस हैवी चेसिस है। यहीं पर हम बात करें बैक बम्पर भी बहुत गाड़ी का हैवी दिया हुआ है। मेन पार्ट आ जा रहा है जो गाड़ी में यहाँ पर क्रॉस मेंबर्स दिए हुए हैं,
पहले जो गाड़ी आ रही है BS6 में 6 टेरा से लेकर 16 टेरा तक, उसमें नॉर्मली जो चेसिस गया है वो उतने ही हैवी क्रॉस मेंबर दिए, पर इस गाड़ी में टाटा ने यहाँ पर टिप्पल वाले यहाँ पर क्रॉस मेंबर्स डाल दिए हैं। हैवी क्रॉस मेंबर्स आपको यहाँ पर मिले जा रहे हैं। जो प्रेशर टैंक है वो चेसिस के बिल्कुल इनर साइड पर कर दिए हैं। मेन बात आ जाती है यहाँ पर भी टिप्पर वाले यहाँ पर क्रॉस मेंबर्स सभी, और जो लेफ्ट टायर है वो बहुत ही स्मूथली ढंग से यहाँ पर अप एंड डाउन होता है, बिल्कुल इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती बैलून्स में। छोटी छोटी बातों का यहाँ पर टाटा ने बहुत ही ध्यान रखा है। जो यहाँ पर चेसिस दिए गाड़ी में, लास्ट सेक्शन तक यहाँ पर चेसिस आपको डबल मिलेगी। इसी प्रकार से जो चेसिस है आगे तक यहाँ पर डबल जा रही है बिल्कुल सेंटर तक। और मेन बात आ रही है यहाँ पर DEF टैंक, यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीमर का यहाँ पर DEF टैंक आपको मिलेगा 65 लीटर की कैपेसिटी के साथ। उसी के साथ में ही अटैच ड्राइवर साइड पर ही आपको 365 लीटर का यहाँ पर डीजल टैंक बना हुआ है प्लास्टिक पॉलीमर का भी, और साथ में एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पर इनबिल्ट टाटा दे रही है। साथ में यहाँ पर साइलेंसर का यहाँ पर देख सकते हो एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। SCR सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ है। DOC, DPF और MOX की यहाँ पर जो BS6 को नॉर्म्स को ये गाड़ी फॉलो कर साथ में बनाई हुई है। जो कैबिन है वो 2-way सस्पेंडेड यहाँ पर पीछे से यहाँ पर सस्पेंडेड कैबिन है, बहुत ही हैवी कैबिन है। जो गाड़ी की यहाँ पर पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर आपको 180 हॉर्स पावर का इंजन है, जिसमें आपको 850 Nm की टॉर्क है। 5.6 लीटर आपको इंजन है, और मेन बात आ रही है गियर बॉक्स की, 950G का यहाँ पर गियर बॉक्स मिलने वाला है। और साथ में जो गाड़ी में जो क्लच आ रहा है वो 380 mm डाई का पुशर टाइप सिंगल प्लेटेड ड्राइव फिक्सर ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ क्लच आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन पावर इस गाड़ी को यहाँ पर मिल रही है। एयर क्लीनर की जो पोजीशन है वो ड्राइवर सीट के बिल्कुल कैबिन बैक साइड पर दी नए मिलने वाला है। वो सारे फीचर्स आपको सिग्ना कैबिन में हम बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 आपको फुटस्टेप मिलेंगे, उसकी सहायता से हम कैबिन में इनटेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो डोर्स है, जो मटेरियल है बहुत ही हाई ग्लॉस फैब्रिक का मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है। पेपर होल्डर, बोतल होल्डर यहाँ पर लॉक करने में आसानी रहे। यहाँ पर छोटा ग्लोव बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पर शीशा अप डाउन करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आपको हैंडल्स मिलेंगे। और अभी हम गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हो इनटेक गाड़ी में इनग्रेस और आउटग्रेस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर देखते हो अभी जैसे गाड़ी के जो सीट्स है वो बहुत ही मेरे को कंफर्टेबल लग रही हैं, क्योंकि इस गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हो सस्पेंडेड सीट्स है। मैकेनिकली बहुत ही आराम से मज़े से आप गाड़ी के कैबिन के सीट को आगे पीछे आसानी से यहाँ पर सीट्स कर सकते हो। और यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वो भी देख सकते हो आप पीछे आसानी से ले सकते हो, आगे ले सकते हो। मोटा पतला आदमी अपने हिसाब से गाड़ी की जो सीट है वो एडजस्ट कर पाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर सीट सभी यहाँ पर एडजस्ट कर ली है। और उसके बाद आगे बात स्टेयरिंग की, जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है, ऊपर नीचे आगे और पीछे आसानी से आप यहाँ पर स्टेयरिंग लॉक भी कर सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पर टाटा आपको सिग्ना कैबिन के साथ दे रहा है। कैबिन का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन से बनाया हुआ है। यहाँ पर जो कॉकपिट डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर नहीं किया हुआ है, कॉकपिट डिज़ाइन है यहाँ पर देखते हो ओवल शेप में बनाया हुआ है, ताकि जो मेरे जो सारे कंट्रोल्स हैं FE स्विचेस हो गए यहाँ पर, और साथ में जो AC कंट्रोल्स है वो सारी मेरे रीच में है। अगर दूर होते तो वहाँ पर दूर चले जाते, हाथ की रेंज से दूर चले जाते, तो यहीं पर आपको AC के यहाँ पर सारे कंट्रोल्स हैं। साथ में यहाँ पर सामने की तरफ AC वेंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ड्राइवर साइड पर भी वेंट्स दिए हुए हैं। साथ में इस गाड़ी में FE स्विचेस दिए हुए हैं, लाइट मीडियम और हैवी मोड दिए हुए हैं। जब आप गाड़ी खाली चलाएंगे तो लाइट मीडियम का प्रयोग कर आप बेहतरीन माइलेज ले सकते हो। अगर आपका गाड़ी का लोड ज़्यादा है और गाड़ी हिली एरिया पर चल रही है तो आप हैवी स्विच का लोड लेकर ज़्यादा टॉर्क आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हो। यहीं पर बात आ जाती है यहाँ पर आपको 2 5 वोल्ट के यहाँ पर चार्जर सॉकेट भी यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज वगैरह आसानी से यहाँ पर आप कर पाएंगे। और जो गाड़ी में यहाँ पर देखते हो गियर लीवर है वो यहाँ पर देखते हो गियर लीवर आपको यहाँ पर बोनेट पर मिलेगा, 6 गियर आगे की तरफ, 1 रिवर्स गियर, 950G का गियर बॉक्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, किलोमीटर पर आर, फ्यूल मीटर, आपको ये सब चीज़ मिलने वाली है। यहीं पर आप देख सकते हो जो 5 इंच 5 वाई की यहाँ पर डिस्प्ले मिल रही है, उसमें आप हैवी मोड, प्रेशर बार्स और DEF टैंक कितना है,
और न्यूट्रल है गाड़ी या गियर में, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर ओडोमीटर के साथ ट्रिप ए और बी के रूप में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। यहीं पर मेन बात आ जाती है इस गाड़ी में, जो ABC एसेसरी के पैडल दिए हुए हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ईज ऑफ पैडल की बात करें तो यहाँ पर आसानी से आप सभी पैडल्स का कंट्रोल यहाँ पर आप ले सकते हो। और साथ में इस गाड़ी में जो कैबिन है वो AC कैबिन बनाया हुआ है। जो इंसुलेशन है मटेरियल वो यूज़ किया वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पर कैबिन में जो यहाँ पर डबल सीट्स यहाँ पर पीछे यहाँ पर दी हुई है रेस्ट करने के लिए, उसको मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पर सामान रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी हुई है, और ऊपर में यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर सो सकते हैं गाड़ी में। और पीछे जो विजिबिलिटी है उसके लिए भी यहाँ पर विजिबिलिटी मिरर साथ में दिया हुआ है इस गाड़ी में। तो अभी हम गाड़ी के यहाँ पर टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। टेस्ट ड्राइव लेकर आपको कैबिन का यहाँ पर दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी में जो बाहर की साउंड है वो यहाँ पर कैबिन इस गाड़ी का रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर देखो सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर सीट बेल्ट्स भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सीट बेल्ट्स लगा लिए मैंने, और अपने हिसाब से यहाँ पर ड्राइवर सीट और स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपी के हिसाब से यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं गाड़ी के वो मुझे इजीली दिख रहे हैं। कनेक्टर साइड पर क्या साइड मेरे को दिख रही है और ड्राइवर साइड पर क्या साइड है, फ्रंट में मेरी गाड़ी कितनी आगे और पीछे है, वो सारा ही स्पेस मेरे को कैबिन में बैठे में यहाँ पर पता चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर गियर शिफ्ट एडवाइज़र यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, गियर शिफ्ट एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा कितना गियर आप गाड़ी में यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ पर देखो स्विच आ रहा है, यहाँ पर देख दो अभी गियर ऊपर करने की ये गाड़ी मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप कर रही है कि आपके RPM ज़्यादा है तो आप गियर भी आप अप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर गाड़ी आपको, इतनी समझदार गाड़ी हो चुकी है कि आपको सारी बातें पहले से ही यहाँ पर आपको बताएगी। बाहर की आवाज़ें आपको बिल्कुल कैबिन के अंदर नहीं सुनाई देगी। साथ में यहाँ पर अभी हम सनलाइट के यहाँ पर साइड पर चल रहे हैं तो सनवाइज़र भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर सनवाइज़र मैं साइड से लेना चाहता हूँ, इस साइड से यहाँ पर सूरज है तो साइड से मैं सनवाइज़र भी यहाँ पर गाड़ी में ले सकता हूँ। अगर गाड़ी के यहाँ पर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 35,26,000 यहाँ पर सिग्ना कैबिन है उसमें यहाँ पर आ रहा है। और जो काउल मॉडल अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 33,54,000 की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है। और उसके बाद कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल रहते हैं, टाटा के हर सीज़न में यहाँ पर डिस्काउंट्स होते हैं, उसके बाद आपको एक्चुअल प्राइस शोरूम से आप गाड़ी का गेन कर सकते हो। जो गाड़ी की माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में माइलेज सेम टू सेम 28-18 जितनी ही माइलेज आ रही है, क्योंकि ये गाड़ी आप 10 टेरा के रूप में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो 31 टन पासिंग के साथ, और साथ में यहाँ पर 6 टेरा 18.5 GB पासिंग है उसमें भी आप गाड़ी में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब भी करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।